कंबाइंड मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के तरफ से एक मीटिंग का आयोजन फैमिली केयर क्लिनिक हबीब इंटर कॉलेज के पास किया गया। इसमें कस्बे के सभी डॉक्टर उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर आनंद जायसवाल माँ साहब थे। इस मीटिंग में डॉक्टर आनंद जायसवाल द्वारा हर्निया जैसी बीमारी के बारे में बताया और इसके इलाज पर चर्चा भी की। सीएमडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर राशिद जमाल साहब ने आनंद जायसवाल को बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ ही में सीएमपीए के सेक्रेटरी डॉक्टर रासिदुल खैर और अध्यक्ष डॉक्टर राशिद जमाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये सारे डॉक्टर्स जो है हर डिपार्टमेंट के हर डिग्री वाले बीएमएस चाहे बीएमएस चाहे बीएसएमएस चाहे डीबीडीएस चाहे एमबीबीएस सब इकट्ठा हुए क्लिनिकल मीटिंग इसमें इसके लिए। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है क्लिनिकल नॉलेज के लिए। और मुख्य अतिथि कौन है इसमें? आनंद जायसवाल। अच्छा, आप डॉक्टर आनंद जायसवाल साहब हैं आज के मुख्य अतिथि। अभी थोड़ी देर में कंबाइंड मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के मैं सेक्रेटरी हूँ और आज ये जो एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था हमारे एसोसिएशन की तरफ से जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं दो दूर से भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो इसी के लिए आज ही हम लोगों ने गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा था। और चूँकि हमारे डॉक्टर आनंद जायसवाल साहब जो है इनको हम लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, कुछ चीज़ें जो है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक हार्निया के डॉक्टर साहब से प्रोग्राम लिया था उसी के लिए बस सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या पब्लिक के लिए कोई जैसे कोई योजना भी है क्या जैसे पब्लिक को? पब्लिक के लिए एसोसिएशन के तरफ से हमारे जो है ये कि हम पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहते हैं। बीच बीच में कराए भी हम लोगों ने, कैंप भी कराते हैं और लोगों में आने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए हम लोग मरीजों को या लोगों को आमतौर पर जागरूक करते हैं कि बीमारियों से कैसे बचना है। सीजनल वाइज बीमारियाँ होती हैं तो उस पर हम लोग जो है बीच बीच में प्रोग्राम करते हैं, कैंप भी कराते हैं, उसमें लोगों को जागरूक करते हैं। तो बस ये हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाएँ ताकि ऐसे भी होता है कि उनको पता ही नहीं है। सपोज कर लीजिए कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे लोगों को पता भी नहीं है तो हम उनको उसके बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं और उनके हेल्थ के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए जो है जो भी होता है उनको। पब्लिक के लिए किस तरह जागरूक किया जाता है या शिविर लगाकर कैसे? शिविर लगाते हैं हम एसोसिएशन की तरफ से, शिविर लगा के करते हैं। ऐसे भी जो हम लोग अपने क्लिनिक में जो भी आते हैं उनको हम बताते हैं, उनको समझाते हैं बीमारियों से कैसे बचना है, कैसे आपको प्रिकॉशन लेना है, हाइजीनिक अभी थोड़ी देर बात करता हूं कैसे रहना है।